रूस के न्यूक्लियर प्लान के खिलाफ अमेरिका ने किया कौन सा बड़ा ऐलान? रूस के संभावित एटमी हमले को लेकर नाटो से क्या है ज़ेलेंस्की की अपील? सैन्य भर्ती से भागने वाले नागरिकों को पुतिन ने दिया कौन सा बड़ा ऑफर? यूक्रेन सेना ने अब कहा रूस के ठिकानों पर बोला है जोरदार हमला। बैटलफील्ड से जुड़ी इन सभी खबरों को देखते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चे पर आर पार की जंग जारी है। इस बीच पुतिन की एटमी धमकी पर बाइडेन की प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस ने भी बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए कहा कि उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी है कि रूस जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी के रक्षा विशेषज्ञ ने भी वेस्टर्न यूक्रेन के 6 शहरों पर बड़े हमले की आशंका जताई थी। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रशियन सेल्फ प्रोपेल्ड गनों की बैटरी पोजीशन पर यूक्रेनी सेना ग्रैड्स स्ट्राइक करती नजर आ रही है। रक्षा मंत्रालय के दूसरे वीडियो में यूक्रेनी फोर्स की पुख्ता तैयारी को दिखाया गया है। यूक्रेनी सैनिक बख्तरबंद सैन्य वाहन M113 से पूर्वी यूक्रेन की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी ने रूस समर्थित डोनेट्स के इलोवाइस्क इलाके में जोरदार हमला किया है। इस हमले में आबादी वाले इलाकों पर मिसाइलें दागी गई। इलोवाइस्क के स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेनी हमले के बाद भयंकर आग लग गई। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले एक हफ्ते में रूसी कब्जे से 776 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका मुक्त किया है जिसमें 96 बस्तियां शामिल हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण युद्ध हो रही है। कहीं यूक्रेनी फौज पोजीशन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है तो कहीं यूक्रेनी सेना के आक्रामक हमले से रूसी सेना पीछे हटने को मजबूर दिखाई दे रही है। खार्कियो में यूक्रेनियन आर्मी गुरिल्ला वार प्लान के तहत रूस के मिलिट्री ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। वॉर जोन से छापामार युद्ध का वीडियो सामने आया है। भीषण जंग के बीच नेटो की धौंस दिखाकर ज़ेलेंस्की पुतिन को डराने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की अपने 24 घंटे पुराने बयान पर कायम दिखे। ज़ेलेंस्की ने फिर कहा कि रूस के परमाणु हमले से पहले नेटो को उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक दुनिया को परमाणु हथियारों के दम पर डरा रहे रूस पर नेटो के ऐसे हमले की जरूरत है कि वो किसी पर हमले की जरूरत न कर पाए। यूक्रेन के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में जुटे पुतिन ने बड़ा दांव खेला है। मोबिलाइजेशन को लेकर रूसियों में मची भगदड़ को रोकने के लिए पुतिन ने लुभावने पैकेज को मंजूरी दी है। पुतिन ने SVO अभ्यर्थी और उनके परिवारों के लिए क्रेडिट हॉलीडे और लेबर गारंटी देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। रूस में 3 लाख से ज्यादा सेना में आंशिक बहाली का लक्ष्य है। रूस की लामबंदी का मकसद यूक्रेन में मॉस्को की सेना को आगे बढ़ाना है। पुतिन और ज़ेलेंस्की जल्द ही एक मंच पर नजर आ सकते हैं। ऐसा अगले महीने की 15 और 16 तारीख को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 समिट में हो सकता है। दोनों ही नेताओं को इस सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया गया है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रूस के कड़े ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ब्रिटेन की एयरफोर्स की मदद से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा की थी जिसके बाद C-17 ने पाकिस्तान से रोमानिया के बीच 12 एयरलिफ्ट मिशन चलाए। विशेषज्ञों की माने तो ये सैन्य आपूर्ति ब्रिटेन के जरिए हो रही है। पुतिन के जन्मदिन पर DPR नेता डेनिस पुशिलिन ने चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव को हीरो ऑफ द DPR के खिताब से सम्मानित किया। इस मौके पर चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया जिसमें 20,000 से ज्यादा चेचन सैनिक शामिल हुए। बता दें कि पुतिन के सबसे वफादार सहयोगियों में से एक माने जाने वाले कादिरोव ने यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान का समर्थन करने के लिए चेचन फोर्स को भेजा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।